कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कैसे आपको उनको हैंडल करना है, किस पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस पे आपको कम टाइम देना चाहिए, कैसे आप टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बच्चे लोग यहाँ पे हर चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड किया है। तो मैंने क्या किया है कि सपोज एक चैप्टर को मैंने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है, ठीक है, और इसमें देखा है कि यार इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर ज्यादा क्वेश्चन आए तो वो मैं यहाँ पे ज्यादा सॉल्व कराऊंगा, अगर कम आए तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं अपने हिसाब से कराऊंगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ प्रत्येक चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड किया है, तो आपको इतना अंदाजा तो आ जाएगा कि इस टॉपिक से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया है, हर चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड किया है, उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा और आपका जो माइन्यूट लेवल पे जो डाउट है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार इसको अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज उसका भी बेनिफिट होना चाहिए, बिकॉज हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की एक अच्छी रैंक आए, ठीक है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो, ठीक है। तो उस फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज फॉर योर जेई मेन्स एंड नेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11th का फर्स्ट चैप्टर लिया है यूनिट एंड डायमेंशन, उसका मैं पहले टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, दूसरा है नो यूनिट नो डायमेंशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, थर्ड है यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बच्चे लोग क्या होती है, सबसे पहले आपके पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी क्या होती है बच्चे, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम बेसिकली यूज करते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे आपका पहला हो गया मास, ठीक है, दूसरा आपका लेंथ, थोड़ा इसका मैं थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूं, ठीक है, मास लेंथ, आपका हो गया टाइम, उसके बाद आपका हो गया करंट, उसके बाद आपका हो गया बच्चे लोग टेम्परेचर, उसके बाद आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसके बाद हो गया मेरा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये होती है मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगी। तो आप मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, करंट को एम्पियर से और टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यूनिट, अगर मैं बोलूं कोई भी एंगल है, इसने बोला है एंगल, ठीक है, मेरे पे दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है मेरा फेस मतलब प्लेन एंगल जिसको आप बोलते हो, दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हुआ मतलब जो आप 2D डायमेंशन में जो भी एंगल को मेजर करते हो, लाइक योर ये मेरा एक ट्राइंगल है, एक मेरा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो भी एंगल आप मेजर कर रहे हो, दिस थीटा यूर वर्ड प्लेन एंगल जो भी आप बोलते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे लोग, यूनिट होती है इसकी क्या, डिग्री, ठीक है। अगर आपको नंबर उसमें चाहिए तो एक क्या होता है रेडियन,
तो इसके पास तो एक यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका एक एंगल है, प्लेन एंगल जो हम 2D डायमेंशन में देखते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये आपकी 2D डायमेंशन है। दूसरा जो मेरा एंगल होता है बच्चे लोग, सॉलिड एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को आप देखते हो 3D डायमेंशनल फिगर, जैसे मेरा कोन हो गया, ये आपका एक कोन है, ठीक है। तो ये कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, तो ये इसको मैं बोलता हूँ सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम यूनिट होती है इसकी बच्चे लोग, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। क्या होती है स्टे रेडियन। अब देख लो बच्चे लोग, आपको इस समझ में आ गया कि जो आपका प्लेन एंगल है, जो सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, डिग्री या रेडियन, ठीक है। दूसरा सॉलिड एंगल की यूनिट क्या हो गई आपकी, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है। तो इसके पास यूनिट तो है, अब मुझे देखना है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन, तो डायमेंशन का मतलब क्या बच्चे लोग, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी के उसमें। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने बोला फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, कैपिटल एम लिख देते हो, चलो आपने मास को क्या लिख दिया कैपिटल। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है, द वेलोसिटी अपॉन टाइम, द वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो, मीटर पर सेकंड बोलते हो ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चे लोग आपका, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या हो गया आपका, टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड। अब देखो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हो गया आपका मास, मास का यूनिट क्या होता है आपका केजी होता है, उसको मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लिया। कोई भी यूनिट है, जैसे आपका मास है, देखो यहाँ पे देखना ये मास है आपका, तो मास को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से। लेंथ कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल से। टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, उसको आप टी से रिप्रेजेंट करोगे। जो आपका करंट है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, और उसको आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे थीटा, ठीक है। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उन फंडामेंटल पावर, जो यूनिट हो, जो फंडामेंटल यूनिट है आपकी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी जो पावर होगी वही आपका डायमेंशन होगा। देखो मैंने मास का यूनिट क्या होता है बच्चे लोग, केजी होता है, मैंने मास को रख दिया कैपिटल एम से। देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड। मीटर, मीटर क्या हो गया लेंथ, सेकेंड क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। यहाँ पे टी की पावर क्या बच्चे लोग, वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। टाइम के लिए देखो, टाइम का यूनिट क्या आपका सेकेंड, टाइम को कैसे लिखोगे आप कैपिटल टी से, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एल टी माइनस वन अपॉन आपका टाइम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एम एल, ठीक है। टी की पावर देखो, टी की यहाँ पे दो टर्म है, टी की पावर माइनस वन, इसकी पावर माइनस वन है आपका, तो ऊपर आ जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो ये है टी की पावर, एम की पावर वन, एल की पावर वन। तो जो ये पावर वाला टर्म आपको दिख रहा है ना बच्चे लोग, यही आपका क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। ये जो पावर वाला टर्म आपको दिख रहा है, यही आपका डायमेंशन होता है। तो मैंने बोला कि भाई फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, वन वन इंटू माइनस टू। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है, इसने बोल दिया एम एल टी माइनस टू, तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, वो एक नंबर होता है। अगर मैं बोलता हूँ प्लेन एंगल, मैंने बोला प्लेन एंगल, बोला मैंने 30 डिग्री, क्या बोला 30 डिग्री, तो ये आपका क्या बच्चे, नंबर। और नंबर का डायमेंशन होता नहीं है।
अगर मैं बोलूं मेरे पे एक नंबर है 1, तो 1 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0। 0 डायमेंशन मतलब ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ भाई, मैं सॉलिड एंगल, ठीक है, तो सॉलिड एंगल को कैसे लिख रहे हो आप? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, ये भी एक नंबर है आपका, तो नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? इसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, मेरी बात समझे आप? इसके पास डायमेंशन है, प्लेन एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डिग्री या रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है, स्टेरेडियन। तो इसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है आपकी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, तो उनकी जो भी पावर होगी, उनकी जो भी पावर होगी वही आपका डायमेंशन होगा। बट ये तो नंबर है, इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस क्वांटिटी के टर्म में, तो ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज मैंने बताने वाला था, एक क्वांटिटी होता है आपका ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। अब ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है भाई? कि जिस क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब ये क्वांटिटी आपकी क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, दैट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपने बोला वेलोसिटी, जैसे आपने बोला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट आपने बोला LT-1। तो देखो लेंथ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपका वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा बच्चे ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, मेरी बात समझे आप लोग? आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ 1 मिनट इन द रेडियन इज इक्वल, ठीक है, आपको क्या करना है कि 1 मिनट है, ठीक है, इसको बच्चे लोग आपको रेडियन में बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी आपका मिनट है उसको डिग्री में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, क्या होता है आपका 1 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चे लोग? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? 60 मिनट, MINUT। तो मुझे मिनट को डिग्री में करना है, तो ये 60 को इसके डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, 1/60 डिग्री हो गया। अब मुझे ये पता है कि भाई 2π रेडियन इज इक्वल टू होता है बच्चे लोग आपका 360 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा आपको बच्चे लोग? 1 रेडियन हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2π। तो मुझे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 डिग्री के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आपको डिग्री को रेडियन में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π अपॉन 360 रेडियन। क्लियर, बस यहाँ पे कर दो 1/60, ये आपका 1 डिग्री है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2π into 360 रेडियन। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 2.94 × 10⁻⁴ रेडियन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, अब देखो बच्चे लोग थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये आपका है दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मैंने बोला कि भाई ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है,
ठीक, इस कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया ए, और इसका जो लेंथ है वो मैंने ले लिया कैपिटल एल। ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सरफेस से कितना हीट पास हो रहा है, द रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट क्या होता है आपका क्यू, ठीक है, आपको रेट चाहिए तो क्या होगा डी क्यू बाई डी टी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, एरिया, इसका टेम्परेचर कितना है और इसका लेंथ कितना है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना हीट इससे पास होगा 1 सेकंड में, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। हमेशा याद रखना बच्चे, अगर कोई हीट फ्लो हो रही है, अगर कोई हीट फ्लो हो रही है तो वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस में। इफ आपका टेम्परेचर डिफरेंस 0 तो कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, याद रखना। तो आपका जो भी है कितना हीट फ्लो हो रहा है डिपेंड करता है एरिया में, कितना हीट फ्लो हो रहा है रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और कितना हीट फ्लो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल। याद रखना, द रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या हुआ कि कितना हीट इससे पास हो रहा है पर टाइम, और हीट के लिए क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। मतलब इसके दोनों जो ये एंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो होगा। हीट आपका क्या है, एनर्जी, एनर्जी तभी ट्रांसफर होगी जब इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये था आपका डी क्यू बाई डी टी, इसको मैं खोलूंगा तो आपको मिलेगा के ए डेल्टा टी अपॉन एल। क्यू होता है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या हो गया जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। के आपको निकालना है, के आपका होता है थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया का यूनिट होता है बच्चे लोग मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का कैल्विन, ए का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कटा, ठीक है, ये आपका कैल्विन है नॉट, ठीक है, मुझे निकालना है इस के का यूनिट निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है ये वाला। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या होगा जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, और ये नीचे आपका आ जाएगा कितना मीटर कैल्विन। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू, देखो जूल पर सेकेंड, देखो पावर आपका क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, या अगर आप करो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, सॉरी एक बार, एनर्जी का यूनिट होता है बच्चे लोग जूल, टाइम हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका पावर हो गया, जूल पर सेकेंड होता है वॉट, तो दिस इज योर वॉट, दिस इज योर मीटर इनटू कैल्विन। तो ये आपका डिनोमिनेटर में, तो मीटर की पावर -1 और के की पावर -1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो यहाँ पे बोला इसने कि आपका जो डैम्पिंग फोर्स है, एक फोर्स है भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब आपका जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी में, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा v, तो वो बोल रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो c इज इक्वल टू क्या होगा f अपॉन v, f का यूनिट क्या होता है न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे देखो आपको kg में लाना पड़ेगा, तो न्यूटन फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको बात करूं मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अप्लाई कर दो इसमें, सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस कांस्टेंट सी इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन मीटर, इससे कटा, तो
क्या मिलेगा, केजी 1 सेकंड से 1 सेकंड का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड केजी अपॉन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड की पावर यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केजी सेकंड -1। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ तो देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो देखो, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एक सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम का मतलब सब जानते होंगे, सीजीएस, सी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, सेंटीमीटर, जी का मतलब आपका ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। एम के एस का मतलब जानते होंगे, एम के एस का मतलब क्या होता है, एम के एस सिस्टम, एम फॉर मास, सॉरी सॉरी, एम फॉर मीटर, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, के मास के लिए आपका के जी, और टाइम के लिए आपका सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे भी क्या है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। एम के एस में क्या होता है, लेंथ के लिए मास, मास के लिए केजी, और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक सीजीएस सिस्टम आपको दिया है, ठीक है। तो इस सीजीएस सिस्टम में क्या दिया है आपको, आपको वैल्यू दिया है 4 ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, सेंटीमीटर की पावर क्या है, -3। इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो उसके बाद ये बोल रहा है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, उसने बोला दूसरा सिस्टम है जिसमें आपका जो लेंथ है वो उसने बोला 10 सेंटीमीटर, और जो आपका यूनिट ऑफ मास है उसको उसने बोला 100 ग्राम। तो उसने बोला द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल दूसरे सिस्टम में कैसे है। अब देखो बच्चा, कोई भी यूनिट है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है कि उस यूनिट को आप किससे मेजर कर रहे, दैट इज का यूनिट फॉर मेजरमेंट, मतलब कौन सी यूनिट को आप यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए। जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने एक रॉड लिया, उसका लेंथ मैंने बोला 2 मीटर, मैंने मेजर किया, तो 2 मुझे कितना बता रहा है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट, दिस इज योर न्यूमेरिकल पार्ट, और मीटर मतलब आप कौन सी यूनिट को यूज कर रहे हो फॉर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। कौन सी यूनिट आप यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी यूनिट है उसका न्यूमेरिकल पार्ट एन, और किस यूनिट से आप यूज कर रहे हो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखना, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम तो आपको दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 4 आपका न्यूमेरिकल पार्ट, और ग्राम पर सेंटीमीटर आपका यूनिट पावर, ठीक है। तो एक सिस्टम आपको दिया है, तो सिस्टम हमेशा कांस्टेंट होगा, एन यू का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, N2 × U2, या अगर बढ़ते रहो N3 × U3, वो डिपेंड करेगा कि कितने सिस्टम यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सिस्टम है, N1 × U1, जिसका उसने बोला है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, N2 × U2। तो आपको क्या चाहिए, N2 का वैल्यू निकालना है आपको, कि दूसरे सिस्टम में N2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन में, ये सारा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो देखते हैं इसको। N1 कितना दिया है इसमें, 4, इसका यूनिट क्या है आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। N2 कितना है बच्चे, N2 आपको निकालना है यहाँ से। अब यहाँ पे देखो उसने क्या दिया है, सबसे पहले मास, मास को उसने लिखा है कि 1 यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि 1 यूनिट ऑफ मास 1 ग्राम के बराबर था, बट यहाँ पे 1 ग्राम नहीं है, यहाँ पे आपका 100 ग्राम है, ठीक। अपॉन, यहाँ पे देखो, एक यूनिट ऑफ लेंथ आपका दिया है 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे एक यूनिट ऑफ लेंथ कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, एक यूनिट ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर की पावर आपका क्यूब, बस हो गया। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 × 100, ठीक। दोनों को क्यूब करोगे, 10 की पावर क्यूब कितना हो गया आपका, 1000,
यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो एन टू आपको मिल जाएगा यहाँ से। एन टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4000 अपॉन 100 कितना मिल जाएगा, 40। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझे आप, मैंने कैसे सॉल्व किया कि कोई भी सिस्टम है अगर आपको उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यूनिट के दो पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट और जो यूनिट ऑफ मेजर, जो यूनिट ऑफ यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, तो एन ऑन टू यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मेरे दो सिस्टम है, पहला सिस्टम ये जिसकी उसने यूनिट दे रखी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, उसके बाद उसने एक दूसरा सिस्टम लिया जिसमें उसने क्या बोला कि एक यूनिट ऑफ लेंथ को उसने डिफाइन किया 10 सेंटीमीटर और 1 यूनिट ऑफ मास को उसने डिफाइन किया 100 ग्राम। तो मैंने वही किया, देखो पहले आप पहले सिस्टम में क्या था कि आपका 1 यूनिट ऑफ मास 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ मास किसके 100 ग्राम के बराबर है। यहाँ पे देखो 1 यूनिट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर था, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपका आंसर मिलेगा 40। ओके नेक्स्ट जो बच्चे, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होगा। देखो परमिटिविटी कहाँ पे होती है आपकी, कूलम फोर्स में, ठीक है। तो कूलम का लॉ क्या था कि आपका जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 / R2। यही होता ना कि मेरे पे दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है मेरा Q2, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सपोज R ले लो। तो कूलम जो फोर्स होता है, कूलम ने ये बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है दो चार्ज के बीच, वो डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। बिकॉज अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो, मतलब अगर फोर्स दो अपोजिट चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन मतलब दोनों पास पास आएंगे, फोर्स ज्यादा और लगेगा, और डिस्टेंस अगर आपकी ज्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। बिकॉज यहाँ पे देखो आपका जो डिस्टेंस है दोनों चार्जों के बीच वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स का वैल्यू घटेगा। अब यहाँ पे देखो इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको 1 / 4 πε₀ Q1 / Q2 / R2। अब याद रखना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे 4 π क्यों आया, क्यों आया, याद रखना। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, एक मैंने पॉइंट चार्ज लिया, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, इमिट करेगा, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होगा, दिस इज योर स्पेरिकल इन नेचर, दैट इज स्पेरिकल इन नेचर, ठीक है। और आपको पता है कि स्पेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 π और आपका सम होता है R², ठीक है। तो ये जो 4 π आया ना बच्चा, वो इसीलिए आया बिकॉज ये कूलम्स का जो लॉ किसके लिए था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड था कूलम्स का लॉ। तो कूलम्स के लॉ के लिए क्या बताया गया कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, उनका जो नेचर होगा वो स्पेरिकल नेचर होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे स्पेरिकल क्या होता है, स्पेयर क्या होता है यार, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक शेप है आपका, 3D सरफेस है, ठीक है, लाइक दैट। ये आपका एक हो गया लाइक दैट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर स्पेरिकल है, और आपको पता है स्पीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 π × समथिंग। तो यहाँ पे जो 4 π मुझे बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, स्पेरिकल नेचर है, वो छोड़ दो, मुझे निकालना है इसका यूनिट, पहले इसको निकालते हैं। तो ε₀ क्या हो जाएगा बच्चे, 1 / 4 πf Q1 × Q2 / R², ठीक है। देखो ये आपका क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे देखना ढंग से, ये आपका एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, 1 / फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, दूसरा चार्ज है मेरा कूलम, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसमें, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो तेरा कोई ऑप्शन हो रहा है आपका, दैट इज ऑप्शन C, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक
फ्लाइंग कांस्टेंट इन एसआई। देखो एसआई यूनिट हुआ या एमकेएस सिस्टम हुआ, दोनों लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज मत होना, एमकेएस में वही होता है जो आपका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे पता है, प्लैंक कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस से, क्या होता है 6.6 × 10⁻²। मुझे पता है मुझे ये यूनिट चाहिए। तो यार प्लैंक कांस्टेंट जो आपका रिलेशन है, इट इज रिलेटेड टू द फोटोन, इट इज रिलेटेड टू फोटोन, फोटोन का एनर्जी। और फोटोन किस में होता है आपका, लाइट में। कि लाइट, ये बोला गया कि भाई लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो फोटोन, मतलब उसमें एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। मतलब लाइट के पास क्या है, फोटोन के एनर्जी के पैकेट है, ठीक है। तो लाइट फोटोन की फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और उसका एनर्जी बताया गया, उसका एनर्जी बताएगा एच, उसका जो एनर्जी बताया गया लाइट की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन बताया गया, ई इज इक्वल टू एच इंटू आपका जो भी फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। यहाँ से आपका एच का यूनिट मिल जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई एफ, ठीक है। अब मुझे बताओ यार टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, 1/f है, तो 1/f क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आपका टाइम, ठीक। तो एच का यूनिट क्या हो गया, इनर्जी क्या हो गया, जूल। टाइम का यूनिट सेकेंड, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू जो आपने ऑलरेडी इमेज निकाल दिया है 6.6, जो भी निकलता है यहाँ से, दैट इज एच इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻²⁴ जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, ठीक है। अब निकाल दोगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, का डी आ जाएगा, ठीक है। ओके उसके बाद है द यूनिट ऑफ द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये कहाँ पे आएगा भाई, देखो स्टीफन आता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो मुझे ये कोई भी बॉडी है, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है पर सेकंड में, ठीक है। कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है पर सेकंड में, तो वो एनर्जी डिपेंड करती है कि भाई इसका जो एरिया है वो कितना है, ठीक है, मतलब इसका एरिया कितना है। दूसरा इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मेरी बात समझ रहे हो। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी मैंने ली, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है पर सेकंड में, ये आपका एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है। कोई भी बॉडी है क्यों रिलीज करती है एनर्जी, वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। एरिया कम होगा तो कम एनर्जी को रिलीज करेगी। रेडिएटेड का मतलब क्या होता है, रिलीज करना एनर्जी। दूसरा टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी को, कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी को रेडिएट करेगी। तो यहाँ पे बोला गया द रेट ऑफ हीट रेडिएशन, द रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया, दैट इज इसको मैं एनर्जी की फॉर्म में भी कह सकता हूँ, हीट मतलब रेट ऑफ एनर्जी कितना निकल रहा है यहां से, दैट इज डीई बाई, रेड नहीं बोलते हैं इसको, 1 मिनट, द हीट रेडिएशन, कितना हीट रेडिएशन का मतलब क्या है, आपका एनर्जी हो गया, ठीक है। 1 मिनट, द हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम एनी बॉडी, आपका ब्लैक बॉडी भी हो सकता है, इन टाइम टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ई बाई डी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस बॉडी का एरिया कितना है,
और उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर की पावर यहाँ पे 4 होती है, ई बाई डी। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लाइक दैट। ठीक, देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, यूनिट जूल पर सेकेंड। ठीक है, एरिया क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का होता है कैल्विन की पावर 4। तो मुझे निकालना है इसका यूनिट, बच्चे लोग। तो क्या हो जाएगा, ये जूल पर सेकंड क्या होता है आपका, वॉट आपका पावर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जूल पर सेकंड वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर कैल्विन की पावर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर कैल्विन की पावर 4। मेरी बात समझ लो, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से आता है कि कोई भी बॉडी है कितना हीट रेडिएट कर रही है, कितना ही एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है इन टाइम, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का एरिया कितना है और कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। एरिया ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, कम एरिया तो कम एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, ये आपका डायमेंशन का है पर मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। एक पर्टिकुलर सिस्टम है जहाँ पे उसने बोला है कि यूनिट ऑफ लेंथ, उसने लिया 10 सेंटीमीटर। आपको पता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूँ एल से, जो आपका मास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ग्राम से। ठीक है, और जो आपका टाइम है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेकेंड से। ठीक, अब मुझे निकालना है फोर्स का यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ द सिस्टम। अगर आप देखोगे ये किसमें है, न्यूटन में। ठीक है, और न्यूटन आपका क्या होता है बच्चे लोग, एम के एस। न्यूटन जो यूनिट होता है वो किसमें होता है, एम के एस सिस्टम में। एम में क्या होता है आपका, मीटर लेंथ किसके लिए, के आपका क्या होता है किलोग्राम, एस क्या होता है आपका सेकेंड। ठीक, ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए और ये टाइम। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लेंथ आपको दिया है किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये सीरियस है। मास किसमें दिया है, ग्राम में। तो ये जो सिस्टम है आपको किसमें दिया है, सीजीएस में दिया है। बट आपको आंसर किसने निकालना, किसमें निकालना है, एमकेएस में निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो सिंपल ये है कि यार फोर्स को रिप्रेजेंट करो किसमें, इन सारी यूनिट में। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है इसमें, केजी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस ग्राम को, जो आपका ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करो। तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10^-3 केजी के। तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10^-3 kg। उसके बाद जो आपका सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10^-2 m। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10^-2 अपॉन सेकेंड के आपका 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर सिंपल। तो कितना हो जाएगा, ये 10^-5 × 10^2। और ये नीचे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो यूनिट आएगा आपका केजी मीटर, और ये नीचे सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा, 10^-2। तो ये आ जाएगा 10^-5 × 10^4, और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड आपको क्या होता है, न्यूटन। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10^-5 + 4 न्यूटन इज इक्वल टू 10^-1 न्यूटन इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। मेरी बात समझिए, मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या किया, एक स्टेप फॉलो किया कि भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बट अगर आप देखोगे इस न्यूटन को आपको करना पड़ेगा मास में, लेंथ में और टाइम में। तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है केजी, क्योंकि न्यूटन आपका क्या है, एम के एस में है यूनिट, सीजीएस में नहीं है।
एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको मास दिया है उसको पहले केजी में कन्वर्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, मास दिया है 10 ग्राम, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। मीटर आपको इसमें सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको सेकेंड। तो न्यूटन आपको मिल जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें थी जो हमने बताई। कुछ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाले हैं। जैसे देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर कभी कभी आ जाता है, तो लाइट ईयर यूनिट है आपका यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता कि कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि लाइट ईयर का यूनिट क्या है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। एक और चीज आता है फैराडे। कभी बोलते हैं कि भाई फैराडे किसका यूनिट है, तो 1 फैराडे होता है आपका 9,650 कूलम। और आपको पता है कूलम का यूनिट क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो सिंपल है कि जो भी आपका फैराडे है, फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज, इस यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जितना भी चीजें आपको बताई हैं उसको मैं एक पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।